अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुलाजमत के लिए इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवारों के रवैये का भी मुशाहदा किया जाता है। अब एक ऑस्ट्रेलवी कंपनी के सरबराह ने उम्मीदवारों का रवैया जांचने का एक इंतहाई अनूठा तरीका बता दिया है जो वो अपनी कंपनी में इस्तेमाल करता है। दी मिरर के मुताबिक एक्सीरो ऑस्ट्रेलिया नामी कंपनी के सरबराह ट्रेंट आइंस ने बिजनेस पॉडकास्ट दी वेंचर में गुफ्तगु करते हुए बताया, अजय मैं नौकरी के लिए आने वालों के रवैये का अंदाज़ा काफ़ी तब के ज़रिए करता हूँ और मैं हमेशा दुरुस्त नतीजे पर पहुँचता हूँ। ट्रेंट ने बताया है कि जब कोई उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए आता है तो मैं इसके साथ कुछ देर गुफ्तगु के बाद इसे किचन में ले कर जाता हूँ और इस दौरान हमारे हाथ में कोई ना कोई मशरूब होता है। वहाँ हम काफ़ी बनाते और अपने कप लेकर वापस ऑफिस में आकर बैठ जाते हैं और बाकी इंटरव्यू होता है। हर इंटरव्यू के अख्ताम पर मैं ये बात नोट करता आया हूँ कि उम्मीदवार अपना कॉफ़ी का खाली कप वापस किचन में रखने के लिए जाता है या नहीं। जो उम्मीदवार कप वहीं छोड़कर उठ जाए वो समझ लें कि हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाता है और इसे मेरी कंपनी में कभी नौकरी नहीं मिल सकती। ट्रेंट का कहना था कि तजर्बा आप काम से हासिल कर सकते हैं लेकिन रवैया अपने साथ लेकर दफ्तर में आते हैं। आप कभी हमारे दफ्तर में आएँ तो देखेंगे जे हमारे किचन इंतहाई साफ़ सुथरे होंगे, इसकी वजह हमारे दफ्तर का माहौल है। चनाचे मैं काफ़ी कप के ज़रिए देखता हूँ जे उम्मीदवार हमारे दफ्तर के माहौल में फिट बैठता है या नहीं। अगर वो कप वापस किचन में ले जाए और इसे दौड़कर वहाँ रख दे तो मैं इसे नौकरी पर रख लेता हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी का हर मुलाजम यही करता है। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।